भागलपुर के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने बीते देर शाम चोरी के मामले में महेशी गांव निवासी पदुमन दास के पुत्र विक्रम दास को पकड़ लिया, जबकि सोमवार की देर रात आरोपी विक्रम दास थाना के बीएमपी जवान के राइफल की गोली और थाना के एसआई की पिस्टल चोरी कर थाने से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार एवं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार घटना का जायजा लेने के लिए सुल्तानगंज थाना पहुंचे, जहाँ स्थल निरीक्षण के बाद एसएसपी ने थाना के रात्रि प्रहरी और ओडी पर तैनात एसआई को कड़ी हिदायत देते हुए सुल्तानगंज पार्क और अकबरनगर के थाना अध्यक्ष समेत सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर को फरार चोर विक्रम दास की जल्द गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। इधर इस मामले को लेकर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि चोरी की घटना पर पुलिसकर्मी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और सत्यापन के बाद ही इस पर अंतिम रूप से कुछ भी कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही फरार चोर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से सैंडिस कंपाउंड बास्केटबॉल कोर्ट में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता समापन मंगलवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हो गया। इस दौरान सैंडिस कंपाउंड स्थित बास्केटबॉल में अंडर 14 आयु में गया और पटना की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें गया की खिलाड़ियों ने रोमांचक मुकाबले में 24-18 के अंतर से पटना की टीम को मात देकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। वहीं अंडर 17 आयु वर्ग का फाइनल मैच भागलपुर और पटना के बीच खेला गया, जिसमें जोरदार खेल दिखाते हुए मेजबान भागलपुर की टीम ने पटना की टीम को 22-12 के अंतर से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। इसके अलावा अंडर 19 बालिका वर्ग बास्केटबॉल के फाइनल मैच में गया के खिलाड़ियों ने पटना की टीम को 22-17 के अंतर से कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस दौरान सभी विजेता और उपविजेता टीम को मुख्य अतिथि डीडीसी कुमार अनुराग और अतिथियों ने ट्रॉफी एवं मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। इधर टूर्नामेंट के दौरान निर्णायक की भूमिका में त्रिलोकी पाठक, गोविंद कुमार, रहित अख्तर, शरवर अली और सौरभ कुमार समेत कई लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुरस्कार वितरण समारोह में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट के माध्यम से खिलाड़ियों को अवसर और जरूरी सुविधा मुहैया कराने की बात कही। डीडीसी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया और प्रतिभागियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। वहीं इसको लेकर जिला खेल पदाधिकारी जयनारायण कुमार ने बताया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त चयनकर्ताओं ने प्रतियोगिता के तीनों आयु वर्ग में 16-16 खिलाड़ियों का चयन किया है। डीएसओ ने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद अलग अलग आयु वर्ग के लिए बिहार टीम का चयन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। बांका के अमरपुर थाना परिसर में पीपिंग शिरोमणि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 3 दरोगा को बैच पहनाया गया। इस दौरान सर्किल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार राव और थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने शैलेंद्र सिंह एवं मनोज पासवान को एसआई और रामदानी कुमार को एएसआई में पदोन्नति मिलने पर बैच एवं कैप पहनाकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पदोन्नति प्राप्त करने वाले तीनों दरोगा को उनके वरीय पदाधिकारियों ने कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों का बोध कराते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर रश्मि कुमारी, अजय कुमार और विक्रम कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज शाहाबाद गंगापुर गांव में विशेष महिला एवं बच्चा कोषांग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन की समाजसेवी नेहा खातून और डॉक्टर ज्योति जायसवाल ने किया। वहीं महिला कोषांग के समाजसेवी डॉक्टर ज्योति जायसवाल ने जागरूकता कार्यक्रम में वहां मौजूद महिलाओं को घरेलू महिला हिंसा, महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार और महिला कोषांग से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार और महिला कोषांग द्वारा मिली ताकत को जानकर महिलाएं अपनी सुरक्षा के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। मौके पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के समाजसेवी डॉक्टर मनीष कुमार, सुबोध शाह, पूनम देवी और रिफत समेत काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं।
सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर महारानी स्थान जाने वाले मार्ग के समीप रेल पटरी पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि गंगापुर गांव निवासी राजेंद्र यादव का पुत्र पवन कुमार यादव मंगलवार की सुबह घरेलू झगड़ा के बाद सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर स्थित महारानी स्थान के समीप पहुंचा, जहां ट्रेन की चपेट में आने से पवन यादव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना मिलने पर जब तक जीआरपी और आरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक मृतक के परिजन पवन कुमार का शव लेकर वहां से फरार हो चुके थे। भागलपुर में पहली बार चौबीस हबीब अकादमी चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनसर गांव में विद्युतीय विभाग की ओर से बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग के कन्या विद्युत अभियंता मंजय कुमार, सहायक विद्युत अभियंता रंजीत कुमार के द्वारा चलाए गए छापेमारी अभियान में बिजली कर्मचारी लोकेश कुमार और चंदन कुमार ने बिजली चोरी मामले में कई ग्रामीणों को दबोच लिया। वहीं बिजली चोरी मामले में पकड़ी गई नोनसर गांव निवासी छाया देवी, आशा देवी, कौशल्या देवी, प्रेमा देवी, माला देवी, ठाकुर मांझी और प्रहलाद मांझी के खिलाफ कन्या विद्युत अभियंता मंजय कुमार ने सुल्तानगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अवैध रूप से या चोरी से बिजली का उपयोग करेगा, उसके पकड़े जाने पर विभाग की ओर से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।